व्हाट्सएप से डिलीट मैसेज कैसे रिकवर करें। हेलो गाइस, क्या आपके व्हाट्सएप से भी मैसेज डिलीट हो गया, चैट डिलीट हो गया और आप उसे वापस लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ व्हाट्सएप से डिलीट हुए मैसेज को रिकवर करके दिखाऊंगा और ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने डिलीट हुए मैसेज को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलती रहती है। तो गाइस आप वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है, जैसा कि मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर कर रखा है, यहाँ साइड में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर देखेंगे आपको थ्री डॉट देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे आपको सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ओके, जब आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा चैट, तो आपको चैट पर क्लिक करना है। ओके, जब आप चैट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको देखेंगे मीडिया फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको इसे ऑन कर देना है। ओके, जब आप इसे ऑन कर देंगे तो आपको यहाँ स्कीपर के नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा चैट बैकअप, तो आपको चैट बैकअप पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ नीचे आना है आपको, यहाँ पर देख लेना है जो गूगल अकाउंट है, आपको गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी एक जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ से मैंने कर लिया। ओके, अभी यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है जो जीमेल आईडी है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी यहाँ पर लॉगिन हो रहा है जो जीमेल आईडी है हमारी, तो वीडियो में बने रहिएगा, एक दो सेकंड लग सकता है। तो अभी यहाँ से हमें अलाउ कर देना है, जैसे कि यहाँ से मैंने कर दिया, अब यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, बैकअप इंसुल कॉलर, तो आपको इसे ऑन कर देना है, इंसुलेट वीडियो, इसे भी आपको ऑन कर देना है। ओके, ऑन करने के बाद आपको यहाँ ऊपर आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा डेली बैकअप, तो आपको इस पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ से आपको नेवर कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा बैकअप, तो आपको बैकअप पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सभी जो मैसेज हैं यहाँ पर बैकअप होना स्टार्ट हो गया। अब गाइस इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो व्हाट्सएप है यहाँ से आपको अपना व्हाट्सएप डिलीट कर देना है, जैसे कि यहाँ से मैंने कर दिया, अनइंस्टॉल कर देना है। अब गाइस आपको अपना व्हाट्सएप फिर से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपना वही व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। चलिए यहाँ से मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। ओके, यहाँ पर देखेंगे कनेक्टिंग चालू हो चुका है, अब यहाँ से कंटिन्यू कर देना है आपको। ओके, ध्यान से देखते रहिएगा, यहीं पे है मेन चीज़। उसके बाद यहाँ से आपको अलाउ कर देना है, एक बार और आपको अलाउ कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अभी एक न्यू पेज आएगा, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यही चीज़ होती है। अब यहाँ पर देखेंगे आ चुका है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, रिस्टोर स्किप, तो आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है। ओके, जब आप रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपके जो डिलीट मैसेज हैं सभी यहाँ से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हो चुका है, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ से अपनी जो प्रोफाइल फ़ोटो है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ओके, पर देखेंगे जो सभी डिलीट मैसेज था रिकवर हो गया है। तो गाइस आपसे एक बात ये अभी क्लियर कर दें, अगर आप मैसेज डिलीट करने से पहले व्हाट्सएप चैट बैकअप नहीं लेंगे तो आपका डिलीट हुआ मैसेज कभी रिकवर नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो गाइस इस तरह से आप डिलीट मैसेज को रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।